हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज तवर, आपके ही यूट्यूब चैनल बिटकॉइन एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आए दिन हमें ये सुनने को मिलता है कि ये आईसीओ स्कैम हो गया, ये आईसीओ भाग गया, या इस आईसीओ ने परफॉर्म नहीं किया, जितने पे हमने खरीदा था उसकी वैल्यू भी नहीं मिली। तो आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो इसका आपको सॉल्यूशन समाधान दे सकता है। और एक अच्छी बात क्या है कि अगर मान लीजिए आईसीओ अगर स्कैम कर जाता है तो आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपना पैसा रिफंड भी ले सकते हैं। और दोस्तों, आईसीओ जब भी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, जब हमने आईसीओ में इन्वेस्टमेंट किया होता है, अमूमन हमने देखा है कि उसका प्राइस जो है उससे नीचे आ जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म और इस प्रोजेक्ट के जरिए आप वो भी पैसा रिफंड ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे शुरू करने से पहले आपको बता दें, ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है और ये सिर्फ अवेयरनेस और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। और हम कहीं भी आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना बोल रहे हैं ना सलाह दे रहे हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, तसल्ली कीजिए और तसल्ली होने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आपके प्रॉफिट और लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर हमारा ध्यान सबसे पहले तब गया था जब ये जो है वर्ल्ड ब्लॉकचेन फोरम, जो कि न्यूयॉर्क में एक इवेंट हुआ था, उसके अंदर इनको फर्स्ट पोजीशन मिली थी। और स्विट्जरलैंड में भी एक कंपटीशन हुआ था, 140 आईसीओ के अंदर ये फाइनल्स में पहुंचे थे। और दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात हमें जो लगी इनके प्रोजेक्ट के अंदर, जो इनके एडवाइजरी बोर्ड के अंदर है, सोनी एरिक्सन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ब्लॉकचेन एंड टेक्निकल एडवाइजर हैं, जिनका नाम है एंडर्स लार्सन। और जो एक और इंटरेस्टिंग चेहरा हमें जो लगा, जो कि एक इंडियन चेहरा आप कह सकते हैं, इंडियन ओरिजिन से, चिंतन ठक्कर, जो कि एक फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं गोल्डमैन सैक के। और हम सबको पता है गोल्डमैन सैक एक बहुत जाना पहचाना नाम है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर। बाकी दोस्तों, अगर ओवरऑल टीम की बात की जाए तो काफी एक्सपीरियंस लग रही है, क्या इनके फाउंडर हों, सीईओ हों ओलेगी या एंड्रे हों, जो इनके सीईओ हैं, फाउंडर हैं, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं और आईटी डेवलपर भी हैं। और इनका जो मेन एरिया रहा है वो आईटी और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट ही रहा है। तो दोस्तों, अगर कह सकते हैं, अगर ओवरऑल टीम की बात की जाए तो काफी एक्सपीरियंस है, क्या है वो एडवाइजर हो या इनके टीम के हों। और दोस्तों, एक और अच्छी बात क्या है, इनका जो वेबसाइट है और इनका जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट डेवलप्ड है। और अक्टूबर 2017 से ही इन पे काम कर रहे थे, उसकी जो कोड्स की डिटेल है वो इनके गिटहब अकाउंट पे जाके आप देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप इनकी रेटिंग जो है आईसीओ बेंच हो, ट्रैक हो, फाउंड आईसीओ हो, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म पे हैं उनकी रेटिंग जाके आप चेक कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं इनके प्रोजेक्ट के बारे में, आईसीओ के बारे में। दोस्तों, अगर कंपनी की बात करें W12, तो वो जो है सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और जो इनका ऑफिस है वो सिंगापुर में है। अब दोस्तों, बात करते हैं ये प्रोजेक्ट, ये आईसीओ प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है। दोस्तों, हम सबको पता है कि 100 आईसीओ आते हैं जिसमें से 80-90% जो आईसीओ होते हैं वो जो या तो स्कैम हो जाते हैं या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि आपको स्कैम से बचा सके। दोस्तों, एक स्टेटिस ग्रुप की रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है जो पब्लिश हुई थी bitcoin.com पे, तो उसके हिसाब से 81% जो आईसीओ लॉन्च होते हैं 100 में से, यानी कि 81 जो है वो स्कैम होते हैं। लेकिन दोस्तों, मार्केट में इतने हजारों आईसीओ आते हैं और रोज हम जो है आईसीओ का सामना करते हैं और हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कौन सा आईसीओ स्कैम होने वाला है या कौन सा आईसीओ परफॉर्म करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो ये प्लेटफॉर्म आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। दोस्तों, 81% जो आईसीओ लॉन्च होते हैं वो तो या स्कैम होते हैं और 6% जो है वो फेल हो जाते हैं या 5% होते हैं वो डेड हो जाते हैं। 8% ही हैं जो कि एक्सचेंज तक पहुंच पाते हैं या ट्रेड हो पाते हैं, और उसके अंदर से 1.6% ही होते हैं जो प्रॉमिसिंग होते हैं और 3.8% ही होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, 8% में से 2.8% है जो धीरे धीरे जो है उनकी स्ट्रेंथ खत्म होती जाती है। तो दोस्तों, इन शॉर्ट अगर बात करूं तो अगर आईसीओ के अंदर 100 में से 92% पैसा जो है वो डूब जाता है, तो यहीं पे जो W12 है, जो आईसीओ है, वो आपकी हेल्प कर सकता है, ये प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प कर सकता है। मान लीजिए अगर आप आईसीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपने इन्वेस्टमेंट किया और वो पैसा डूब जाता है या वो जो उसका प्राइस था उससे नीचे आ जाता है, तो आप जो है इनके प्लेटफॉर्म के जरिए अपना पैसा जो है रिफंड ले सकते हैं। और दोस्तों, मजे की बात क्या है, अगर आप इनका टोकन यूज करते हैं W12 और जो आपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया था वो फेल हो जाता है, तो आप जो है वो पैसे को दोबारा से किसी और आईसीओ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, कंपनी का कहना है इस प्लेटफॉर्म से या इस प्रोसेस के जरिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 87 गुना तक बढ़ सकती है। अब दोस्तों, थोड़ा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसका जो कॉन्सेप्ट है प्लेटफॉर्म काम कैसे करेगा। तो आपको बता दें, ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं जो भी आईसीओ के अंदर इस प्लेटफॉर्म के जरिए, तो डायरेक्टली वो जो है उस प्रोजेक्ट को नहीं जाएगा फंड। दोस्तों, वो जो फंड है वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, जिसको द मनी स्टोरेज फंड कहा जाएगा। दोस्तों, जितने भी प्रोजेक्ट होंगे या आईसीओ होंगे जो इनका प्लेटफॉर्म यूज करके फंड रेज करना चाहेंगे, उनको एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा अपनी क्राउड सेल शुरू करने से पहले, और जैसे जैसे वो रोड मैप के हिसाब से काम करते जाएंगे उनको फंड रिलीज होते जाएंगे हर स्टेज पे, जैसे जैसे वो काम करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात जो है कि हर स्टेज पे जो फंड्स हैं प्रोजेक्ट को तभी एलोकेट होगा जब जो टोकन बायर्स हैं वो डिसीजन लेंगे इसको एलोकेट करने के लिए। अब मान लीजिए दोस्तों, आईसीओ जो है फेल हो जाता है या किसी माइलस्टोन को वो अचीव नहीं कर पाता,
तो जो फंड है वो रिफंड कर दिया जाएगा जितने भी बायर्स होंगे। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हमें लगी कि मान लीजिए जो आईसीओ है वो लिस्ट हो जाता है और जो आईसीओ लेवल से उसका प्राइस नीचे होता है और उससे नीचे ट्रेड होता है तो भी जो है आप रिफंड ले सकते हैं। और ऐसे ही ये जितने स्टार्टअप्स होते हैं, आईसीओ होते हैं और जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देता है जो कि यहाँ पे फंड रेज कर सकते हैं। और दोस्तों जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो चूज कर सकते हैं 3 वेरियंट्स में से प्रोजेक्ट फंड के, कि जितने भी टोकन बायर्स हैं वो एक्ट कर सकते हैं सेपरेटली इंडिपेंडेंटली और अपना डिसीजन ले सकते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट माइलस्टोन। और जो दूसरा तरीका है उसके हिसाब से जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट माइलस्टोन है वो कंफर्म किया जाएगा जो 12 इंडिपेंडेंट ओरेकल्स हैं जो कि रेंडमली चूज किए जाएंगे W12 नेटवर्क में से। और दोस्तों जो तीसरा तरीका है उसके अंदर जो एग्जीक्यूशन होगा प्रोजेक्ट माइलस्टोन का वो कंफर्म किया जाएगा 51% वोटिंग से प्रोजेक्ट टोकन के जितने भी बायर्स, यानी कि आप कह सकते हैं अगर 51% लोगों ने जो टोकन खरीदे हैं अगर वो हाँ करेंगे तभी जो है उनको पैसा जो है फंड रिलीज किया जाएगा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि 3 तरीके से जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे फंड रेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कह सकते हैं जो बायर्स हैं, जो टोकन बायर होंगे, जो प्रोजेक्ट के बायर होंगे, वो जो है उनके हाथों में ही कंट्रोल रहेगा और आप कह सकते हैं कि जो पावर रहेगी तो पैसे रिलीज करने की वो उन बायर्स के हाथ में ही रहेगी। दोस्तों अगर इस आईसीओ की स्टेज की बात की जाए तो इनका जो मार्केट प्लेस है और ब्लॉकचेन है वो रेडी है और जो इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका ऑडिट चल रहा है अभी और जल्दी आपको इनकी वेबसाइट पे इनके जो ब्लॉकचेन के प्रोडक्ट है वो देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों अगर इनके रोड मैप की बात करें तो Q4 से जो है इन्होंने काम करना शुरू किया था 2017 के, जब इन्होंने जो है टीम गैदर की थी और सारी चीजें करनी शुरू की थी। और Q1 जो 2018 का है उन्होंने W12 मार्केट प्लेस जो अल्फा वर्जन था वो प्लान किया था और क्रिएट किया था प्रोजेक्ट रैंकिंग सिस्टम को और जो W12 का लैंडिंग पेज है क्रिएट किया गया था क्राउड सेल के लिए। दोस्तों 2018 के पहले क्वार्टर में इन्होंने रजिस्टर किया था अपनी कंपनी को सिंगापुर के अंदर। अब जो Q2 की बात की, इन्होंने अपनी कम्युनिटी बनानी शुरू कर दी थी और रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था, जो व्हाइट लिस्ट थी वो डेवलप कर ली थी और क्राउड सेल के लिए जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत थी वो उन्होंने तैयार कर लिया था। और इनके क्राउड सेल के लिए कैसे मोड ऑफ पेमेंट लेंगे, कैसे ट्रांजेक्शन लेंगे, क्या बिटकॉइन हो, बिटकॉइन कैश हो, इथेरियम हो, क्या लेंगे, तो वो सब चीज के लिए इन्होंने वर्किंग करनी शुरू कर दी थी। और सेकंड क्वार्टर में 2018 के इन्होंने काफी जो है कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट भी किया था। और दोस्तों Q3 जो अभी फिलहाल चल रहा है उसमें इन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग और पीआर कैंपेन भी करना शुरू कर दिया है और काफी जो है कॉन्फ्रेंस में ये पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और स्टार्ट कर दिया है अपनी क्राउड सेल। दोस्तों 2018 के आखिरी क्वार्टर के अंदर इनका प्लान है कि अपने ये टोकन को लिस्ट कराएं किसी एक्सचेंज के ऊपर और ऐड करें प्रोजेक्ट जो इनका प्लेटफॉर्म है ताकि वहां से वो प्रोजेक्ट अपने फंड रेज कर पाए और अपनी एप्लीकेशन भी डेवलप करना चाहते हैं। दोस्तों इसी क्वार्टर में ये लॉन्च करना चाहते हैं सर्विस जिसके थ्रू आप जो है इथेरियम बाय कर सकते हैं फिएट करेंसी से। तो दोस्तों अगर ओवरऑल रोड मैप की बात करें तो बहुत कुछ इन्होंने प्लान किया हुआ है 2019 तक का, इन्होंने प्लान किया हुआ है कि क्या करेंगे 2019 के आखिरी तक, जैसे कि कैसे ये प्रोजेक्ट्स को और प्रोजेक्ट्स को ऐड करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर और बहुत सारी चीजें, खुद का भी एक एक्सचेंज प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने का 2019 के आखिरी तक। तो ओवरऑल बात की जाए तो इनको पता है कि किस स्टेज पे कैसे करना है और सारा कुछ इन्होंने बड़ा डीप और एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप भी जो है इनका रोड मैप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात जो हमें लगी इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको बता दें कि जो इनके फाउंडर और जो भी टीम और एडवाइजर्स हैं उनके लिए जो इनके टोकन है वो 2 साल के लिए लॉक हैं। दोस्तों आप कह सकते हैं जो भी इनकी टीम है, एडवाइजर है, वो 2 साल तक जो फंड्स हैं, जो इनके टोकन उनको मिलेंगे वो यूज नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, वो लॉक रहेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि ये W12 टोकन यूज कहां पे होगा। तो आपको बता दें ये जो टोकन है जो भी पेमेंट्स होंगी सर्विसेज के लिए प्लेटफॉर्म पर उसके लिए यूज होगा, जितने भी आईसीओ इनके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होंगे उन पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनका टोकन यूज होगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो है, और जितने भी प्रोजेक्ट के अंदर फंड रेज करने के लिए जो भी पैसा स्टोर होगा वो इनके टोकन के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होगा। तो दोस्तों आप कह सकते हैं जितने भी लोग होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी फंड रेज होगा वो इनके टोकन के थ्रू होगा। तो अल्टीमेटली बात करें जो भी फंड रेज होगा अगर इनके टोकन के थ्रू होगा तो इनके टोकन की भी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और यही जो है इनके प्राइस को और इनके टोकन की डिमांड को बढ़ाएगा। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फायदा है इस आईसीओ में या इस W12 आईसीओ में इन्वेस्टमेंट करने का या पार्टिसिपेट करने का। तो आपको बता दें जो भी पार्टिसिपेंट होंगे, जो प्री सेल के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उनके लिए जो प्रीमियम एक्सपर्ट अकाउंट है वो 2 साल के लिए फ्री रहेगा। दोस्तों ये प्रीमियम अकाउंट जो है आपको एक्सेस देगा जितने भी और बहुत सारे जो आईसीओ इनके यहाँ लिस्ट होंगे और आपको जो है आईसीओ टोकन मिलेंगे जो भी आईसीओ आप रिव्यू करोगे इनके प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों जो भी आईसीओ या जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे लिस्ट होगा उनसे ये कुछ ना कुछ कमीशन लेंगे और जो 50% जो टोकन कमीशन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितने भी इनके एक्सपर्ट अकाउंट होल्डर्स होंगे। और अगर कैटेगरी की बात करी जाए तो इन्होंने इन अकाउंट्स की कुछ कैटेगरी बनाई है, जैसे स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड।
तो उसके हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट का जो है क्राइटेरिया रहेगा, कैटेगरी रहेगी, और ये जो कैटेगरी है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगी। प्री आईसीओ के अंदर जैसे स्टील की 1.5 ईथर है और डायमंड की 300 ईथर है, और अगर क्राउड सेल में आप इसको अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 2.25 स्टील की कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट रहेगी और 450 जो है डायमंड कैटेगरी में रहेगी, और नंबर ऑफ जो टोकन जो डिपेंड करेंगे अकाउंट के लेवल पे। तो ये अकाउंट भी इनके लिमिटेड हैं, और जो नंबर ऑफ अकाउंट अवेलेबल हैं स्टील के अंदर 3357 है, और जो डायमंड के अंदर है वो 12 अकाउंट ही अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 3% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी और डिटेल के लिए आप जो इनका व्हाइट पेपर भी पढ़ सकते हैं और ज्यादा जान सकते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप भी अर्न कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी को रेफर करते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए और वो इसको जो है बाय करता है, तो आप इसके अंदर 7% तक की अर्निंग कर सकते हैं रेफरल इनकम। बाकी दोस्तों, और ज्यादा डिटेल के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और इनका व्हाइट पेपर पढ़ सकते हैं, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कोशिश कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कम से कम टाइम में दे सकें एक नए प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है W12, और हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें और पूरी डिटेल में बता सकें। बाकी दोस्तों, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च कीजिएगा, सारे रिव्यूज पढ़िएगा, तसल्ली कीजिएगा, तसल्ली करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।